होली आने वाली है। इस बीच होली की तैयारी कर रहे लोगों के किचन का स्वाद बिगाड़ने की पूरी तैयारी बढ़ती महंगाई ने कर दी है। जी हाँ, इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है LPG गैस के दामों में वृद्धि। जय हिंद भारतवासियों, मैं लावा सिद्दीकी स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे YouTube चैनल एक सोच पे। तो आज हमारी वीडियो में हम जानेंगे इस साल होली से ठीक पहले गैस कंपनियों ने LPG गैस के दामों में बढ़ोतरी कर दी गई है, जिससे कि बवाल मचना भी शुरू हो चुका है। तो हम जानेंगे कि पब्लिक का मूड क्या है इस पर, अपोजिशन ने इस पर किस तरह के सवाल उठाए इस वीडियो के माध्यम से। 1 मार्च को गैस कंपनियों ने LPG गैस के दामों में 50 रुपये की बढ़ोतरी कर दी, जिसके बाद दिल्ली जैसे शहरों में गैस के दाम 1103 रुपये तक पहुंच गए हैं। वहीं अगर कमर्शियल गैस सिलेंडर की बात करें तो इसके दाम में 350 रुपये की बढ़ोतरी की गई, जिसके बाद दिल्ली जैसे शहरों में इसके दाम 2119.5 तक पहुंच गए हैं। इस पूरी खबर का कंक्लूजन ये है कि गैस सिलेंडर के दाम पिछले 1 साल में 5 बार गैस कंपनियों की तरफ से बढ़ा दिए गए हैं, जो कि अब लगभग 203 रुपये तक बढ़ चुका है। सब्सिडी भी बंद। इस बार LPG के बढ़ते दामों ने लोगों को ज़्यादा परेशान कर रखा है, क्योंकि सरकार द्वारा मिलने वाली गैस सिलेंडर पर सब्सिडी भी बंद कर दी गई है। फिलहाल बस उज्ज्वला योजना धारकों को ही सब्सिडी मिल रही है। गैस कंपनी के इस कदम को लेकर लोगों के किचन का बैलेंस बिगड़ता नजर आ रहा है। इसको लेकर हमारे साथी ने लोगों से उनकी राय ली, तो आइए जानते हैं कि पब्लिक का मूड कैसा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक सोच और आपके साथ मैं हूं अभिषेक पांडे। पूरे देश में होली की तैयारियां बहुत जोरों शोरों से की जा रही हैं और यहां पर हम मौजूद हैं होली की तैयारियों का जायजा लेने के लिए, देखने के लिए कि देश में उत्साह कैसा है। और इस समय हम मौजूद हैं भोलेनाथ की नगरी वाराणसी में। यहां पर हम वाराणसी में चौक थाने के अंतर्गत खोवा गली में हैं और यहां पर आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि अब इस समय हम खोवा मार्केट में हैं। और होली की तैयारियों में जब होली की तैयारियाँ की जाती हैं, जो पकवान बनाए जाते हैं, उनमें खोवा का महत्व बहुत ज़्यादा होता है। तो चलिए हम बात करते हैं लोगों से और देखते हैं कि महंगाई का असर कैसा है, क्या जो महंगाई है वह लोगों की जेब ढीली कर रही है, क्या जो होली पर त्यौहारों की जो चमक होनी चाहिए वह महंगाई की वजह से थोड़ी ढीली तो नहीं पड़ रही है। तो इसी बातचीत को करने के लिए हमारे साथ हैं यहाँ पर खोवा गली के मार्केट के एक बड़े व्यापारी। नमस्कार सर, परिचय दीजिए पहले अपना। मैं राजकुमार अग्रवाल। ये बताइए कि आप इस समय खोवा की दुकान में बैठे हुए हैं, लोगों का माहौल देखे कैसा लग रहा है? होली की तैयारियां में जो उत्साह है वो नजर आ रहा है या कुछ कमी दिखाई दे रही है, आपको क्या कहना चाहेंगे? नहीं, उत्साह तो है लेकिन प्रतिवर्ष के भांति थोड़ा कम है। इस बार कम कुछ उत्साह है, क्या कारण बताना चाहेंगे, किस कारण की वजह से हो रहा है सर, कुछ बताना चाहेंगे? सर, काफ़ी महंगाई हो गई है और महंगाई की वजह से जो है आदमी कम ही जो है मतलब इस्तेमाल कर रहा है। जितना पहले लोग इस्तेमाल करते थे इस वर्ष बहुत कम कर रहे हैं। ज़्यादातर लोग रेडीमेड जो है गुजिया बना बनाया जो है मिठाइयों के दुकान से खरीद ले रहे हैं, लेकिन खोए की बिक्री कम है। पिछले कई सालों की अपेक्षा इस साल जो है खोए की बिक्री जो है थोड़ा कम है। जैसा कि सुना आपने, महंगाई की वजह से लोग दुकानों के ऊपर ज़्यादा निर्भर हो जा रहे हैं, जो खोवा खरीद के मटेरियल खरीद के खुद घर पर बनाते थे उनमें कमी आ रही है। और एक बड़े खोवा व्यापारी ने राजकुमार जी ने बताया कि महंगाई एक बड़ी वजह मानी जा रही है, जिसकी वजह से लोगों में कमी आ रही है, लोग मार्केट में कम दिखाई दे रहे हैं। खोए व्यापारी के बाद हम यहाँ पर एक और लोगों से बात करेंगे, उनमें हमारे साथ बातचीत करेंगे। सर, पहले अपना परिचय दीजिएगा। जी, मेरा नाम अमित शाह है, मैं खोआ मंडी का विक्रेता हूँ। मैं आपसे यह पूछना चाहूँगा कि अभी आपने बताया कि आप खोया के विक्रेता हैं, यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं क्योंकि होली में अभी कुछ ही दिन शेष हैं, तो जो आप लोगों की सप्लाई है, जो बिक्री है, वो किस तरह से लोगों में उत्साह दिखाई दे रहा है कि कमी दिखाई दे रही है, क्या असर? पहले जो उत्साह था उसमें तो कमी आई है, कुछ कारण महंगाई है, कुछ लॉकडाउन की वजह से है, कुछ नोटबंदी की वजह से है। तो जो भी त्यौहार होते हैं सब खाने पीने और बचने के बाद बचत से ही होते हैं। अब कितनी महंगाई है आप देख सकते हैं, अब बाकी आप देख सकते हैं क्या उत्साह है। पूरी मंडी का कवरेज आप दिखा दीजिए, कितने कस्टमर हैं। मैं अपने कैमरा मैन से बोला, वो पूरा दिखाया है कि मार्केट खाली है कि क्या है, सारे व्यापारियों से भरे हुए हैं, कस्टमर्स का पता नहीं है। और बाकी तो भाई रागियाबाद की आप देख सकते हैं कि दुकानदारों की भरमार है, व्यापारियों की भरमार है और ग्राहकों का पता नहीं है होली का क्या उत्साह है, क्या दमखम है, क्या जोर शोर है, शोर शराबा है कि नहीं, आप देख सकते हैं लाइव यहाँ पे रागियाबाद की। हम लोग वेट कर रहे हैं कि कस्टमर आए
और पहली बात कि इतने व्यस्त तंग गलियों में ये चौक के खुआ मंडी है कि चौक तक आना बहुत बड़ा चैलेंज हो गया है। पैदल ही आदमी आ जाए, गाड़ी से आ जाए तो समझ लिए अपने आप को सौभाग्य प्राप्ति। पहली बात कि गाड़ी लगाने का दिक्कत है, यहाँ दर्शनार्थियों की इतनी भारी भीड़ आ रही, कोई चौक आना नहीं चाहता है। जो जहाँ सही से अपने अगल बगल आस पड़ोस से जहाँ से मिल रहा है वहीं से लेकर के होली मना ले रहा है। आप ही इतने भाई बड़े भैया आप आए हैं, आप बताइए कि आपको कितनी असुविधा का सामना करना पड़ा है चौक आने में। हॉर्न तक का प्रयोग करने पर यात्रियों को कोई असर नहीं पड़ता है। कारण भी है कि भाई उन लोग जाएंगे कहाँ, इतनी लोड आ रही है, रोड है नहीं, पब्लिक इतनी ज़्यादा आ रही है, ट्रैफिक की सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे है। बाकी हमारे मतलब आप ये मान रहे हैं कि लोग जो होली के बनाने में उत्साह की जो कमी आ रही है उसमें सबसे बड़ी वजह महंगाई, अगर आप मान इसको मानते हैं सबसे बड़ी वजह महंगाई है। एकदम मानते हैं भैया कि जो रिफाइंड देसी घी की तो मैं बात नहीं करता हूँ, अवकाश से ऊपर की चीज़ हो गई है, लोग सूंघ के काम चला ले रहे हैं, खाने में बड़ा कम प्रयोग कर रहे हैं। जो चीज़ रिफाइंड है जिसको उसने पेटेंट करा लिया है अडानी ने, तो अडानी का जो फॉर्चून रिफाइंड आता था 70-80-90 रुपए पैकेट, आज के डेट में 220 रुपए पैकेट आ रहा है। तो उसी से महंगाई का आइडिया ले लीजिए। सारे लोग जो है जो आइडिया गुजिया उनके घर में 400-500 रुपए के अंदर बन जाता था, पूरा परिवार खा लेते थे, आज के डेट में 1000-1200 रुपए लगाने के बाद भी वो लोग सोच रहे हैं घर से नहीं रेडीमेड ही लेकर के हम काम चला ले, आधा किलो 1 किलो 250 ग्राम जिसकी जो क्षमता है। तो यहाँ पर हम एक ठठेरी मार्केट में आ चुके हैं, यहाँ पर भी बताया जा रहा है कि ये मार्केट का इतिहास काफ़ी लंबा है, काफ़ी पुराना है। यहाँ पर काफ़ी लोग दिख रहे हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए, तो इनसे भी जानने का प्रयास करते हैं कि होली का माहौल कैसा है, कैसी तैयारियाँ चल रही हैं। अभी मेरे पास एक अंकल जी थे, घर के लिए लगता है कुछ सामान खरीद कर जा रहे हैं, तो परिचय दीजिए अपना पहले। हाँ, निरंजन प्रसाद गुप्ता जी, झारखंड गढ़वा। झारखंड से आप यहाँ बनारस में आपका निवास है, आप घूमने आए? घूमने आए। इस बार की होली बनारस में मनने वाली है आपकी? नहीं, घर पर जाएंगे। घर पर जाएंगे, अच्छा। चलिए, तो बनारस में होली का माहौल देखिए कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, अच्छा। आप ये जो सामान वगैरह खरीद के लेके जा रहे हैं तो आपकी जेब ढीली हुई है, महंगाई को लेकर कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, महंगाई असर दिखा रही है कि नहीं? हाँ, महंगाई है, असर दिखा रही है। हाँ, दिखा रही है। धन्यवाद। चलिए आपसे भी बात करते हैं, सबसे पहले अपना परिचय। बालाजी वर्मा, राम रसड़ा, बलिया से। हाँ, बलिया से। बनारस होली को लेकर आप बनारस में हैं, तो बताइए कि होली को लेकर क्या माहौल लग रहा है लोगों में, जेब को महंगाई का असर क्या है आपको? महंगाई तो है ही है, और भाई जब त्योहार आया है एक बरस में होली, तो होली तो मनाना ही है, चाहे जैसे मनाए, मतलब जेब जितना भी खर्चा करना है उतना करेंगे, लेकिन त्योहार मनाएंगे। पापड़ ओपड़ हम लोग खरीद रहे हैं कि ताकि होली में भाई होली का जो स्वाद है वो बना रहे। हाँ, होली का स्वाद बना रहे। तो क्या यह स्वाद बनाए रखने में जो महंगाई है वो बाधा डाल रही है थोड़ा बहुत? पैसा ज्यादा लग रहा है कि पहले मुकाबले सही है, कोई दिक्कत नहीं है? पैसा तो ज्यादा लग ही रही है, लग रहा है। हाँ, लग रहा है। चलिए अब देखिए, चलिए यहाँ पर हमने कस्टमर से बात कर ली, अब हम बात करते हैं कुछ दुकानदारों से जो कि अपनी दुकान लगाए हुए हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं अचार पापड़ इत्यादि चीजों की दुकानें हैं, तो बात करते हैं। सर, सबसे पहले अपना परिचय दीजिएगा। मैं सोनीठी पापड़ भंडार, राजकुमार जी बोल रहा हूँ। मतलब बस धंधा चल रहा, जो होली के हिसाब से चलना चाहिए उस हिसाब से नहीं है, वो चीज नहीं, वो चीजें अभी नहीं है, हो सकता है एक दो दिन में डिस्काउंट थोड़ा बहुत मिले जो है। जैसे कि आपने देखा कि आपकी दुकान में बहुत सारे ग्राहक आ रहे हैं, तो कोई सामान खरीदते वक्त जब वो उस चीज का बढ़ा हुआ दाम सुनते हैं तो उस समय क्या वो सामान को लेना छोड़ दे रहे हैं? मतलब क्या बढ़े हुए दामों की वजह से कोई थोड़ी बहुत कमी दिक्कत आ रही है? दिक्कत तो होता है, लेकिन अब उसको थोड़ा सा 19-20 करके उसको मैनेज किया जाता है। हाँ, खरीदारी है कि जहाँ 1000 का होना चाहिए वहाँ 500-600 में आदमी अपना काम चला रहा है। तो देखा आपने लोगों का इस पे क्या कहना है, जिसपे इस बात का सीधा सा असर होने वाला है। मामला गैस के दामों में बढ़ोतरी का है, तो जाहिर सी बात है राजनीतिक बयानबाजी और प्रदर्शन होना भी शुरू हो गया। कई विपक्षी नेताओं ने स्मृति ईरानी के इस तस्वीर पर ट्वीट करते हुए लिखा है कि जब गैस सिलेंडर के दाम 400 रुपए थे उस समय धरना प्रदर्शन करने वाली हमारी सरकार अब कहाँ है। आपको बताते चले कि 2014 में UPA सरकार के समय में जब गैस सिलेंडरों के दाम बढ़ा दिए गए थे, तो स्मृति ईरानी के विरोध प्रदर्शन की तस्वीर आज भी चर्चा में है। विपक्ष दलों के नेताओं का कहना है कि LPG गैस सिलेंडर के दामों का सीधा सा कंट्रोल केंद्र सरकार के हाथ में है और सरकार जानबूझकर इसे बढ़ाए जा रही है। कुल मिलाकर कंक्लूजन यही है कि चाहे विपक्ष जो भी कहे, सरकार जो भी कहे, इस बात का सीधा सा असर आम आदमी की जेबों पर पड़ता दिखाई दे रहा है। हमारी जेबें ढीली हो रही हैं और इसका असर हमारे त्योहारों में भी ज़रूर पड़ेगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, बने रहिए एक सोच के साथ। जय हिंद, जय भारत।